एशियन गेम्स के मुकाबले, और किस तरह ये लोगों को इंस्पायर करेगा? ये पहले तो आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है, पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पे कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन वैसे अथर्व माना जाता है कि अलग अलग इनोवेटिव है, अलग अलग नई तकनीकी के आधार पे हम कार्यक्रम करते रहते हैं। आज हमने एक नई घोषणा की है जिसके तहत 100 कंप्यूटर्स, 100 डेज, 100 डॉटर्स, जो मार्टियर्स हैं, जो शहीद हुए हैं, उनके घर में जो छोटी छोटी लड़कियां हैं, उनको आज एक नए टेक्नोलॉजी से हम जोड़ेंगे। पहली बार देख रहे हैं कि कोई एक फाउंडेशन या एक प्राइवेट एनजीओ की तरफ से इस तरह की पहल की जा रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं और ये आइडिया आपको कैसे आया? कि बेसिकली जैसे हमने देखा, हमने सही कहा कि ये गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी स्कीम्स हैं, और ये एक यूनिक कंसेप्ट है, और इसकी बेसिक आइडिया जो है ये हमारे जो प्रेसिडेंट का है। सभी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गए थे, क्योंकि मेरे पापा खुद एनसीसी कैडेट थे, तो उनसे भी मुझे बहुत प्रेरणा मिली कि क्या एक्चुअली हमें करना चाहिए। और जब हमारे कॉलेज से हमें इतना सपोर्ट मिल रहा है कि हमारे आर्मी में, सिर्फ आर्मी नहीं, नेवी, एयरफोर्स, जो हमने आज जो औरतें आई थी और उनको हमने फेलिसिटेट किया, तो उनसे जो प्रेरणा हमें मिली है, जो सिर्फ हमारे करियर में या फिर हमारे डेली रूटीन में हमें काम नहीं आएंगे, लेकिन हमें क्या एम रखना चाहिए ज़िंदगी में, हमें कहाँ पहुँचना है, सिर्फ घर के काम या फिर करियर, आईटी में जॉब, ये सब हमारा जो हम स्टूडेंट्स का जो एम होता है कि हमें एमएनसीज में जाना है, बहुत पैसे कमाने हैं, बट इन सब के अलावा भी एक फेज़ है जहाँ पे कितने सारी हमारे जो हमारे माय अंकल इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सोल्जर्स, सो वी नो कि कैसा होता है उनको, तो क्या फील होता है जब उनका कॉल नहीं आता, तो मेरी चाची कैसे फील करती है, ये सब जब हमने सोचा, तभी हर रविवार को हमने रविवार को सुबह हम सोते नहीं थे, लेकिन हम सब जल्दी उठकर, इनफैक्ट सर हमारे स्टूडेंट। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।